दोस्तों मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं ऐसा क्या हिंदी। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आया हूं कि व्हाट इज डिक्टेशन, डिक्टेशन क्या है और इसमें आप अगर कुछ टाइप करना है आपने मैटर तो आप फास्टली टाइप कैसे कर सकते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पीडीएफ फाइल के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आपने ये जानना है तो प्लीज ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए और अगर मेरा YouTube चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड ऑप्शन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है यहाँ पे, उसमें दबाएं और उसमें बेल का ऑप्शन आएगा उसको दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं, ये गूगल खोल रखा है मैंने ऑलरेडी। इसमें आपने भरना है डिक्टेशन, डिक्टेशन दैट्स इट, ये भरना है हमने। और ये भर के पहली जो साइट है dictation.io इस पर क्लिक करना है हमें। और आप गूगल में ये भी सर्च कर सकते हैं कि डिक्टेशन का मतलब क्या होता है। ब्रीफ में बता देता हूँ, डिक्टेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आप बोल रहे हैं उसको ये ऑलरेडी लिखता रहेगा और उसको आप सेव भी कर सकते हैं अपने वर्ड या एक्सेल फाइल में। ये ऑलरेडी नोट में सेव करेगा, आप इसमें इंग्लिश और हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो कैसे टाइप करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल कुछ मैटर है मेरे पास है, मैंने अभी इंटरनेट से डाउनलोड किया, उसको मैं बोलूंगा और ये टाइप कर देगा। इससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना है आपने, यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है और मैं हिंदी में टाइप कर देता हूँ। अगर कोई और लैंग्वेज है इंग्लिश में आप टाइप करना चाहते हैं तो इंग्लिश, यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, इसकी आप लैंग्वेजेस देख सकते हैं। तो मैं पहले हिंदी टाइप करके बता देता हूँ आपको। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है स्टार्ट डिक्टेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही मैं कुछ लैंग्वेज बोलूँगा तो वो ऑटोमेटिकली ये लिखना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं क्लिक किया, देसी गाय के दूध के फायदे के बारे में कोमा आपने परिवार के बुजुर्गों से सुना होगा, इतना ही नहीं उसके गोबर से उगाई गई सब्जियों के बारे में भी कोमा, खैर कोमा नई बात यह है कि एक बार फिर दूध का बाजार देसी गाय के महत्व को समझ रहा है और छोटे बड़े देसी गाय के दूध को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारा आप देख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने, ये बड़ी आसानी से बहुत ही अच्छा जैसे तकनीक है, सॉफ्टवेयर है जिसको आप ऑलरेडी कॉपी में भी उतार सकते हैं। इसको जो जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे ये लिखता जा रहा है। ये कुछ वर्ड है कि ऐसे नहीं है कि सारे ही वर्ड लिखे गए, जैसे जैसे आप लिखते रहेंगे ऑनलाइन कुछ दो चार वर्ड या 10 वर्ड 20 वर्ड, तो उसके लिए इसको आपने क्लियर करना है और दोबारा लिखना स्टार्ट कर देना है। और इसको अगर सेव करना है तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, कॉपी करेंगे कॉपी हो जाएगा और पेस्ट कर देंगे। सेव करना है तो सेव के ऑप्शन पे दबाएंगे इसको और ये नीचे लिखा हुआ मेरा यहाँ पे डॉट पे आ गया, नोट पैड में आपको दिख रहा होगा। जैसे इसको आप कॉपी करेंगे कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी और इसको वर्ड में अगर पेस्ट करना चाहते हो तो आप वर्ड में पेस्ट कर सकते हो या फिर अपनी वेबसाइट में अगर आपको प्रमोट करना चाहते हो वेबसाइट पर भी लिख सकते हो। बहुत ही अच्छी तकनीक है दोस्तों, इस तरह से आप इजीली जो भी आप सोच रहे हैं उसको टाइप करने की बजाय आप डिक्टेशन के थ्रू बोल के बताएंगे तो ऑलरेडी अपने आप लिखता रहेगा। अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ उसको और नीचे जो हिंदी मैंने लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था वहां पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज से सिलेक्ट कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट एंड स्टार्ट डिक्टेशन पे क्लिक करूंगा तो जो भी मैं बोलूंगा तो वो लिखता रहेगा। जैसे कि स्टार्ट डिक्टेशन, हिंदी इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड संस्कृताइज्ड रजिस्टर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज।
along with the English language, Hindi written in Devanagari script. ये देखिए आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप कर दिया मैंने, तो ये देखिए बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से, बहुत तेज़ी से, यानी कि फास्ट आप टाइप कर सकते हैं अपनी कोई भी लैंग्वेजेस वगैरह को। इसमें पंजाबी लैंग्वेजेस या तमिल, तेलुगू, मलयालम, बंगाली लैंग्वेजेस नहीं आती, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं आमतौर पर। तो यहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी में आसानी से टाइप कर सकते हैं अपने वर्ड के, अपने व्यूज को। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक बार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।